रतन टाटा अब नहीं रहे, उनका 86 साल की उम्र में निधन हो गया। रतन टाटा ने बुधवार रात मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। यहां उन्हें कुछ दिन पहले उम्र संबंधी दिक्कतों की वजह से भर्ती करवाया गया था। बता दें कि रतन टाटा के निधन के बाद पूरे देश में इस समय शोक की लहर है और सारे राजनीतिक नेताओं ने भी रतन टाटा को अपने अपने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। बता दें कि पीएम मोदी ने रतन टाटा के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी कारोबारी नेता, एक दयालु आत्मा और एक साधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया, साथ ही उनका योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे तक गया। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। तो वहीं लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने रतन टाटा के डिमाइस पर पोस्ट करते हुए लिखा, रतन टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, उन्होंने व्यवसाय और परोपकार दोनों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। वहीं आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी और राष्ट्रपति मुर्मू ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, श्री रतन टाटा के दुखद निधन से भारत ने एक ऐसे महान व्यक्तित्व को खो दिया है जिन्होंने कॉर्पोरेट विकास को राष्ट्र निर्माण और उत्कृष्टता को नैतिकता के साथ जोड़ा। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित उन्होंने टाटा की महानता विरासत को आगे बढ़ाया और इसे और अधिक प्रभावशाली वैश्विक उपस्थिति दी। रतन टाटा के निधन पर आप उन्हें किस तरीके से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं।